आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बहुभुज के भिन्न भिन्न प्रकार पर आधारित उदाहरण देखेंगे। उदाहरण एक, निम्न बहुभुजों में उत्तल व अवतल बहुभुजों को पृथक कीजिए। स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें, तत्पश्चात उत्तर का मिलान करें। बहुभुज क उत्तल है या अवतल? बिल्कुल सही, यह एक अवतल बहुभुज है, क्योंकि बहुभुज के विकर्ण बनाने पर हम देखते हैं कि यह दो विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित है। बहुभुज ख उत्तल है क्योंकि इस बहुभुज के सभी विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित है। इसी प्रकार बहुभुज ग अवतल तथा बहुभुज घ उत्तल बहुभुज है। उदाहरण दो, निम्न बहुभुजों में सम बहुभुज व विषम बहुभुजों को पृथक कीजिए। हम देख सकते हैं कि बहुभुज क में भुजाओं के माप समान नहीं है। हम जानते हैं कि जिन बहुभुजों के किसी भी भुजा अथवा कोण का माप अन्य भुजाओं अथवा कोणों के माप के समान नहीं होता, वो विषम बहुभुज होता है। इसी प्रकार हम बहुभुज ख को भी विषम बहुभुज की श्रेणी में रख सकते हैं। बहुभुज ग में सभी भुजाओं पर बने यह निशान बताते हैं कि सभी भुजाओं की माप एक समान तथा सभी कोणों के निशान बताते हैं कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अतः यह एक सम बहुभुज है। आज हमने बहुभुज के विभिन्न प्रकारों पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित मिथ्या धारणाओं पर चर्चा करेंगे।